मैच नंबर वन ऑफ द टाटा IPL 2023। एक तरफ है चेन्नई सुपर किंग्स और दूसरी तरफ है गुजरात टाइटंस, एक चैंपियंस इन द फर्स्ट टाइम और एक फोर टाइम चैंपियंस आ रहे हैं ओपनिंग मैच में दो दो हाथ करने। पिछले साल दो बार मुलाकात हुई थी इन टीम्स की और दोनों बार गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को धूल चटा दी थी। जो बीत गई सो बात गई, अब नए एडिशंस के साथ चेन्नई आ रही है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस से बदला लेने। दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेते हैं। पहले डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटंस की बात कर लेते हैं। गुजरात के लिए शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा ओपनिंग करते नजर आएंगे। बीता दो साल शुभमन गिल के नाम रहा है तो हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ उतरेंगे इस साल टाटा IPL में शुभमन गिल। तीन नंबर पर एक नया एडिशन केन विलियमसन के रूप में खेलते नजर आएंगे। लीडरशिप ग्रुप को स्ट्रेंथनिंग किया है केन विलियमसन के एडिशन ने। उनके नंबर पर कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी भी करेंगे, बल्लेबाजी भी करेंगे और अच्छी खासी एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे भी इस साल। पिछले साल कैप्टेंसी का अनुभव नहीं था उनके पास, मगर फिर भी टीम को चैंपियन बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा था उनका। अब भारत की कप्तानी भी कर रहे हैं व्हाइट बॉल फॉर्मेट T20 क्रिकेट में हार्दिक पांड्या, तो देखने लायक होगा कि क्या इस बार एक्सपेक्टेशंस के पहाड़ के नीचे दबेंगे हार्दिक या फिर निखरेंगे। पाँच नंबर पर डेविड मिलर की अनअवेलेबिलिटी के चलते मैथ्यू वेड खेलते नजर आ सकते हैं। अगर डेविड मिलर उपलब्ध हैं तो स्ट्रेट अवे डेविड मिलर खेलेंगे, अगर नहीं तो वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मैथ्यू वेड के रूप में हैं हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस के पास। उनके बाद राहुल तेवतिया एक और लेफ्ट हैंडेड बैटिंग का ऑप्शन है। पिछले साल भी कुछ बेहतरीन पारियां खेली थी, आउट ऑफ नोवेयर टीम को मैच जिताया था उन्होंने। उनके बाद ओडिन स्मिथ एक और नया एडिशन गुजरात के स्क्वाड में, बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, पावर हिटिंग पिंच हिटिंग की एक्सपर्टीज लेकर आते हैं गुजरात टाइटंस के स्क्वाड में। और अब देखना होगा कि एक वेल बैलेंस्ड गुजरात की स्क्वाड को कैसे स्ट्रेंथन करते हैं ओडिन स्मिथ आकर। ओडिन स्मिथ के बाद राशिद खान नीड्स नो इंट्रोडक्शन। जिस हिसाब से लेग स्पिन गेंदबाजी की महारत उनको हासिल है, विश्व में कुछ ही गेंदबाज हैं जो उनके आसपास आते हैं। वर्ल्ड में T20 फॉर्मेट में या कहें वाइट बॉल फॉर्मेट में इनसे बेहतर लेग स्पिनर आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। उनके बाद एक और नया एडिशन जो बहुत महंगे खिलाड़ी खरीदे इस साल गुजरात ने ऑक्शन में से, शिवम मवी, 6-6.5 करोड़ रुपए खर्च किए उनको खरीदने के लिए। एक अच्छा एडिशन, एक यंगस्टर जो आने वाले कई IPL में उनके साथ रह सकते हैं अगर उन्हें रिटेन करना चाहें। पहला साल होगा गुजरात के लिए शिवम मवी का, देखने लायक होगा कि कैसे परफॉर्म करते हैं वो। उसके बाद मोहम्मद शमी एक एक्सपीरियंस गेंदबाज, उनकी T20 फॉर्मेट में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं गिनी जाती, बट IPL में आते ही उनका कद बढ़ जाता है जैसे हमने पिछले साल भी देखा था। उनके बाद एक और नए यंगस्टर जो गुजरात टाइटंस के लिए खेलते नजर आएंगे, यश दयाल, लेफ्ट आर्म पेस गेंदबाजी करते हैं वो, दोनों तरफ स्विंग कराते हैं नई गेंद के साथ, तो देखने लायक होगा कि मोहम्मद शमी के साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं वो। और देखा जाए तो एक वेल बैलेंस स्क्वाड लग रही है, स्टार्टिंग 11 बहुत स्ट्रांग लग रही है। ऊपर के बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं, नीचे के बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं। फिनिशिंग देखना होगा, क्या राहुल तेवतिया वैसे ही मैच जिता पाएंगे जैसे पिछले साल जिताया था उन्होंने, या राजस्थान रॉयल्स के लिए उससे पहले जैसे काम किया था, क्या अभी भी वैसे ही काम कर पाएंगे, तो ये एक देखने लायक बात होगी। अब चेन्नई सुपर किंग्स की बात कर रहे हैं तो पिछले साल अच्छा नहीं रहा था, टू बी ऑनेस्ट बहुत ख़राब खेली थी चेन्नई सुपर किंग्स। एक बार अर्श पे चैंपियंस बने, फिर सीधे फर्श पे बिल्कुल बॉटम टू में आ गए, तो कहीं ना कहीं देखने लायक होगा कि कैसा परफॉर्मेंस करती है चेन्नई सुपर किंग्स। कहीं ना कहीं हो सकता है MS धोनी का लास्ट सीज़न हो IPL में, और इंटरनेशनल क्रिकेट से तो रिटायर हुए, ऐसा हो गया महेंद्र सिंह धोनी को। तो टीम बहुत स्ट्रांग लग रही है चेन्नई की भी, अगर देखें ओपनिंग करते हुए डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ नजर आएंगे। ऋतुराज का भी पिछला साल अच्छा नहीं रहा, ओपनिंग करने का मौका मिला भारतीय टीम में मगर वहाँ से भी ड्रॉप हो गए, तो अभी एक पॉइंट टू प्रूफ है उनके पास भी कि इस साल वर्ल्ड कप है 50 ओवर तो मैं भी खेल सकता हूँ,
अपना एक चिट डालने का अपने नाम की एक ऑप्शन है उनके पास, वो अच्छा खेले, ऑरेंज कैप जीते हैं, बनाए 500-600 रन, तो कहीं ना कहीं उनका नाम भी उस लिस्ट में आएगा। मगर अभी बहुत पीछे चल रहे हैं भारतीय टीम के नज़रिए से अगर देखा जाए तो। उनके साथ डेविन कॉनवे, पिछले साल एडिशन किया गया था उनका चेन्नई सुपर किंग्स में, शुरुआती कुछ मैच खेले, फिर ड्रॉप हुए और फिर अंत में उन्हें लेकर आए। लोग खफा भी थे उनसे कि शुरुआत से क्यों नहीं बैक किया उन्हें, एंड में क्यों लेकर आए, तो देखने लायक होगा। अच्छा खेले थे दोनों एक साथ, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी दिखाई थी, अच्छा परफॉर्म किया था, एक अच्छी बड़ी पार्टनरशिप भी की थी उन्होंने चेन्नई के लिए, तो देखने लायक होगा कि कैसे दोनों ओपनिंग पेयर साथ खेलते हैं। उनके बाद मोइन अली, इंग्लैंड के जो मोइन अली हैं वो आएंगे बल्लेबाजी करने, राइट आर्म ऑफ स्पिन फेंकते हैं मोइन अली जैसे हम सबको पता है। और देखना होगा अगर डेविड मिलर या मैथ्यू वेड खेलते हैं, राहुल तेवटिया खेलते हैं, तो उनके अगेंस्ट मिडल ओवर्स में हम यूज़ करते नजर आएंगे महेंद्र सिंह धोनी मोइन अली को। उसके बाद चार नंबर पर बेन स्टोक्स, चाहेंगे बेन स्टोक्स की वो टॉप थ्री में बैटिंग करें, मगर टॉप थ्री चेन्नई सुपर किंग्स का फैक्ट है बिल्कुल, तो चौथे नंबर पर खेलेंगे और थोड़ी गेंदबाजी भी करते हैं जैसे हम जानते हैं सब। और देखने लायक होगा एक नया एडिशन, बहुत महंगे खरीदे थे चेन्नई सुपर किंग्स ने, इस साल सबसे महंगे खिलाड़ी थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वो, तो देखने लायक होगा कि कैसा प्रदर्शन रहता है, ऊंची दुकान फीका पकवान तो नहीं हो जाता है। उसके बाद एक्सपीरियंस्ड अंबती राइडू खेलते नजर आएंगे पाँच नंबर पर, बहुत सारा एक्सपीरियंस आईपीएल का है, इंटरनेशनल क्रिकेट का है, तो टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालने का काम होगा कहीं ना कहीं अंबती राइडू का। अंबती राइडू के बाद शिवम दुबे, एक और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, पिंच हिटिंग करते हैं, बहुत पावरफुल हैं और कुछ पारियां ऐसी खेल चुके हैं पास्ट में आईपीएल में जो दिखाती है थोड़ी ग्लिम्स कि हाँ ये भी कुछ बड़ी चीज़ हो सकते हैं इंडियन क्रिकेट में। उनके बाद महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने आएंगे, कैप्टन, विकेट कीपर, मास्टर माइंड, पूरे गेम को ऑपरेट करना जानते हैं, दिस मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। चेन्नई को चार बार चैंपियंस बनाने में बहुत बड़ा हाथ था, पिछले साल जडेजा ने स्टार्टिंग में कैप्टनसी की थी तो टीम डामाडोल रही थी, फिर धोनी को बीच में कैप्टनसी मिली, कुछ गेम्स जीते कुछ गेम्स हारे और क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। अब देखना होगा कि क्या ये आखिरी एमएस धोनी का वो आईपीएल है और उसको यादगार बनाना चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स। उनके बाद रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी, ऑफ स्पिन फेंकेंगे, बैटिंग करेंगे, आठवें नंबर पर सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, पिछले दो तीन साल में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने, तो देखना होगा कि क्या वो फिनिशर का रोल एम एस धोनी के साथ वो निभाते नजर आएंगे। उनके बाद विन पिटोरियस, महेश तीक्ष्णा भी हो सकते थे यहाँ पर, मगर महेश तीक्ष्णा की अवेलेबिलिटी पर अभी भी सवाल निशान है, क्या महेश तीक्ष्णा उपलब्ध होंगे पहले मुकाबले के लिए, देखने लायक ये बात होगी कि वेन पिटोरियस किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका पिछले साल जब भारत आई थी तब तीन नंबर पर भी आए थे वो बल्लेबाजी करने के लिए, तो बैटिंग करना जानते हैं, छक्के चौके लगाना जानते हैं वेन पिटोरियस, तो देखना होगा कि किस तरीके से वो हेल्प करते हैं जडेजा की और धोनी की फिनिशिंग टचेस देने में टीम को। उनके बाद जो दो भारतीय तेज गेंदबाज वो होंगे दीपक चहर और मुकेश चौधरी, इंजरी के बाद आ रहे हैं दीपक चहर, तो देखने लायक होगा कैसा प्रदर्शन रहता है उनका। दीपक चहर इंजर्ड रहे, पिछला सीजन नहीं खेल पाए, बहुत महंगे खरीदे थे चेन्नई ने। उसके बाद मुकेश चौधरी को लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की तरह खिलाया गया, उन्होंने अच्छा किया, जितने भी गिने चुने मौके मिले उसमें अच्छा खेले, अब सारे के सारे मैचेस, ज़्यादातर मैचेस खेलते नजर आएंगे ये दोनों, तो उनके साथ भी देखते हैं कैसे कंपैटिबल होंगे दोनों, एक ही तरीके की गेंदबाजी करते हैं दोनों, स्विंग गेंदबाजी है, और शुरुआती छः ओवर में से तीन ओवर दीपक चहर फेंकते नजर आए आ सकते हैं हमें, जैसे महेंद्र सिंह धोनी उनसे हमेशा फिक्र करवाते आए हैं। तो दोनों टीम्स अगर देखा जाए तो दोनों ही वेल बैलेंस स्क्वाड है बिल्कुल, जो प्रेशर अच्छे से हैंडल करेगा वो 1 लाख बंदा देखने के लिए आएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो देखना होगा कि वो प्रेशर, वो करंट सिचुएशंस को कौन अच्छे से हैंडल करता है, जो अच्छे से हैंडल करेगा वो टीम हमें जीतती नजर आएगी। मेरे हिसाब से प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर दोनों टीम्स के लिए, गुजरात के लिए मेरे हिसाब से रहेंगे मोहम्मद शमी, क्योंकि पिछली बार भी
मोहम्मद शमी ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। चेन्नई के खिलाफ दो जो मैच हुए थे उसमें चार की चार साढ़े चार की इकोनॉमी से रन दिए थे दोनों मैचेस में मिलाकर, तो दे और विकेट भी चटकाए थे उन्होंने, बहुत इकोनॉमिकल रहे थे और प्रेशर बना के रखते हैं जिससे बाकी गेंदबाज विकेट चटकाते हैं। और रही चेन्नई सुपर किंग्स की बात, तो उनके लिए मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ का ये सीज़न बहुत अच्छा होने वाला है। ऋतुराज गायकवाड़ परफॉर्म करते नज़र आएंगे। गुजरात के खिलाफ पिछले साल दोनों मैचेस में बहुत अच्छा खेले थे, दोनों मैचेस में 50 बनाया था। एक तो थोड़ा स्लो 50 था, वो सिचुएशन ऐसी थी उसमें धीरे ही खेलना पड़ा था, और एक में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते नज़र आए थे। तो देखना होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ कैसा खेलते हैं, मगर मुझे लगता है कि ये दोनों प्लेयर्स अपनी अपनी रिस्पेक्टेड टीम के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर। आप सबसे मुलाकात होगी अब कल। धन्यवाद।